सर इस बजट से आपका क्या उम्मीद है? वी आर एक्सपेक्टिंग जो हमारी इस वक्त बहुत रेट हाई चली गई है, हम स्पेशली हमारा जो LPG है, पेट्रोल के प्राइसेस है, वो बहुत मतलब स्लैश डाउन अगर हो जाएंगे तो बहुत फ़ायदा मिलेगा। वी आर एक्सपेक्टिंग कि इस वक्त ये हो जाएगा कुछ हमारी, और स्पेशली और दूसरी बात हमारी है कि जो इनकम टैक्स में जो एम्प्लॉइज़ के लिए हमारा स्लैब है, अगर वो थोड़ा बढ़ा दिया जाएगा तो जो स्टैंडर्ड डिडक्शन देते हैं वो बढ़ा दिया जाएगा, तो हमारा इसमें बहुत हमारा फ़ायदा मिल जाएगा। तो यही कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट को जो है ज़्यादातर जैसे कि ऑटो ड्राइवर हैं उनके बारे में यही सोचें कि या तो CNG का रेट डाउन करें या फिर किराया जायज़ करें। CNG डाउन हो जाएगा तो ऑटोमेटिक क्या है कि ऑटो वाले भी अपना अच्छा खासा कमाएंगे खाएंगे। जॉब चाहिए गवर्नमेंट से, क्योंकि जितने सारे टीचर के लिए बोलते हैं कि वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, UP से लेकर के ऑल ओवर इंडिया बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं कि जो जॉब के लिए बहुत परेशान हैं, जॉबलेस हैं वो लोग। और मुझे भी ऐसा लगता है कि जॉब को एक अच्छे मौके देने चाहिए, एक नया रास्ता देना चाहिए, और गवर्नमेंट से यही उम्मीद करती हूँ। और बाकी और फील्ड में कि एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सस्ता होना चाहिए। सर तो आपको पता होगा अगले हफ्ते बजट होने वाली है, तो बजट से आपका क्या उम्मीद है? मेरी उम्मीद यही है कि जैसे कि जो हमारे मिडिल क्लास जो लोग होते हैं जिनकी सैलरी 5 लाख से 10 लाख के बीच जो होती है, उनको काफ़ी मतलब करीब 20% का टैक्स देना पड़ता है। मे भी शायद इस बार उसमें कुछ हमें राहत मिले और वो 5 या 10% तक लेके आए सरकार। देखिए आम हिंदुस्तानी तो उम्मीदों पर ही जीता है, अब वो चाह रहा है कि भाई कुछ बढ़ना चाहिए सरकार को, 3 लाख से ऊपर जाना चाहिए सीनियर सिटीजन के लिए, और जो नॉर्मल है 2.5 लाख से ऊपर जाना चाहिए। वैसे कुछ अपने को थोड़ा टैक्स का रिबेट मिले, GST का मिले, इनकम टैक्स का मिले, तो वी विल इम्प्रूव द बिजनेस। सबसे पहली तो चीज़ ये है कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाहिए इंडिया को, इंडियन गवर्नमेंट को, और जितने भी ये फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, जैसे आज आप देखेंगे कि ऑनलाइन में फ्लिपकार्ट है या अमेजोन है, ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे चलते हैं, ये लोग इतने बड़े फॉर्मेट पे काम करते हैं, हमारे छोटे ट्रेडर्स को इन्होंने ख़त्म कर दिया है, हर चीज़ को इन्होंने ऑनलाइन पे डाल दिया है, तो उनको डिस्करेज करना चाहिए, लोग घर से निकले, छोटे ट्रेडर या मीडियम साइज़ के जो ट्रेडर्स हैं उनके बिजनेस को बढ़ाने के लिए कोई एक ऐसा पॉलिसी डिसीजन लें कि कस्टमर उनके पास जाए, वहाँ से पैसे की रोटेशन ज़्यादा होती है।